की क्लास में हम बात करेंगे रेशो का वर्गीकरण, ठीक है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रही है, तो जो बच्चे हमारे क्लास में बैठे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाए हैं इस सर्दी की वजह से, ये ऑनलाइन क्लास उनके लिए है। तो रेशो का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे, और रेशो का वर्गीकरण हम मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। पहला है आपका प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर, ठीक है। दूसरा है कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। प्राकृतिक रेशे को हम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वनस्पतिक रेशे, ठीक है, जांतव रेशे और खनिज रेशे, ठीक। वनस्पतिक रेशे मतलब जो रेशे हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक ना, पेड़ पौधे से जो रेशे मिलते हैं उनको हम वनस्पतिक जगत के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। उसमें आपका आएगा कपास, लीनन, जूट, हेम्प और कापो, सीसल भी है, ठीक ना। तो आपको बेसिकली इसमें बीए सेकंड सेमेस्टर में दो चीज पढ़ना है, कपास पढ़ना है और लीनन पढ़ना है, ठीक है। फिर जांतव रेशे मींस जो प्लांट जगत से आते हैं, ठीक है। प्लांट से हमें दो रेशे मिलते हैं, एक रेशम और दूसरा ऊन। ऊन जो इस सर्दियों में सब लोग ऊन के ही पहने हैं, उलन ही कपड़े पहने हैं जो सर्दियों से बच जाता है, जांतव रेशे में दो। फिर तीसरा है खनिज रेशे, ठीक है। खनिज रेशे में सोना, चांदी और एस्बेस्टास आता है। सोना चांदी का तारों के रूप में प्रयोग होता था, जो कि राजा महाराजाओं के वस्त्रों में उसका उसके क्या जरी का काम होता था, जड़ाई होती थी किनारों पे, उसके किनारों पे सोने चांदी की जड़ी होती थी। सोने चांदी के वस्त्रों को धुलने में बहुत असुविधा होती है, तो अब बहुत कम रेयर ही सोना चांदी मिलता है। और ये एस्बेस्टास जो है ये इससे जो है ये रसप्रूफ होता है, जंगप्रूफ होता है, ज्वलनशील पोशाक बनाई जाती है। जो ये फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं ना, अग्निशमन के जो पोशाक होते हैं वो एस्बेस्टास से ही निर्मित होते हैं। क्यों? क्योंकि आग में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो फायर प्रूफ होता है। आई बात समझ में? जांतव रेशा है कौन, प्राकृतिक रेशे में कौन कौन सा रेशा आता है और कृत्रिम रेशे में कौन कौन सा रेशा आता है, ठीक है। कृत्रिम रेशे में दो रेशे आते हैं, एक मानवकृत रेशे, जब सिलेबस समझा रहे थे उस क्लास में मैंने समझाया था कि मानवकृत रेशे क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा रासायनिक रेशे, जिसको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो मानवकृत रेशे में रेयॉन आता है, इसको पुनर्निर्मित सेलुलोज भी कहते हैं, इसको पुनर्निर्मित सेलुलोज भी कहते हैं, ठीक है। पुनर्निर्मित सेलुलोज भी कहते हैं और इसको रेयॉन भी कहते हैं, ठीक है। अब रासायनिक रेशे में अगर हम आए तो रासायनिक रेशे को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से रेशे जो है वो रासायनिक रेशे में आते हैं। तुम्हारा विस्कॉस है, नाइट्रोसेलुलोज है, प्रोप्रामोनियम है, नायलॉन है, डेप्रॉन है, आर्लॉन है, पॉलिस्टर है और फाइबर ग्लास भी है, जो कि हमने लिखे उसमें फाइबर ग्लास, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये डायग्राम सब बना लो और एग्जामिनेशन में भी इस डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करना, अगर क्वेश्चन आए कि रेशो का वर्गीकरण कीजिए तो पहले तुम ये डायग्राम बनाना, इससे तुम्हारा सब कुछ क्लियरिफाई हो जाएगा। एग्जामिनर समझेगा कि अगर तुम लास्ट में कुछ डिफाइन नहीं भी कर पाते हो, तुम्हारा लैक ऑफ टाइम हो जाता है, तो ये डायग्राम अगर बना दिए रहोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आता सब है, वो उसको लैक ऑफ टाइम हो गया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आया सबको समझ में? अभी तक हमने रेशो के वर्गीकरण के बारे में बात की थी, अब जो बात हम करेंगे वो हम कपास के बारे में जानेंगे। तो कपास का जो उद्गम रहा है वो भारत ही रहा है, इसलिए भारत को ही कपास का जन्मदाता कहते हैं। ईसा से करीब 400 वर्ष पहले ही कपास का उद्गम हो चुका था भारत में,
ठीक है। उसके बाद अन्य देशों में हुआ, अभी मैं उसको क्लियर करूंगी किन किन देशों में हुआ। पहले हम कपास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कपास हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कपास हमें, जैसा कि हमने कहा कि ये वनस्पतिक रेशा है, और वनस्पति के मतलब प्लांट से जो कपास का पौधा होता है उसके बीज वाले पार्ट से हमें कपास मिलता है। जैसे हम वनस्पतिक रेशों को अगर हम क्लासिफिकेशन फिर से हम वनस्पतिक रेशों का करें, ठीक है, जितने प्लांट्स फील्ड से हमें रेशे मिलते हैं, तो उसमें कुछ बीज वाले रेशे होते हैं, ठीक है, कुछ हमें तने वाले रेशे होते हैं, मतलब पौधे के तने वाले पार्ट से, स्टेम से पाया जाता है, और कुछ पत्ते वाले रेशे होते हैं जो कि हमें पत्तियों से मिलता है, ठीक है। तो बीज वाले अगर हम रेशे की बात करें तो बीज वाले रेशे भी कपास और कापो का आता है, दो रेशा आता है, कपास और कापो, ठीक है। तने से मिलने वाले जो रेशम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो तने से मिलने वाले रेशम होते हैं वो लिनन होते हैं, जूट होते हैं, हेम्प होता है, रेमी होता है, सन होता है और कोयार होता है। लिनन होता है, जूट होता है, हेम्प होता है, रेमी, सन और कोयार। और जो पत्तियों से, जो हमें लीफ से मिलता है फाइबर रेशा, वो पीना और सीसल होता है, ठीक है। तो हम चूंकि यहाँ कपास का स्टडी कर रहे हैं, कपास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कपास हमें बीज वाले पार्ट से मिलता है, दो मिलते हैं बीज वाले पार्ट से रेशे, बीज वाले जो रेशे होते हैं। अगर एग्जामिनेशन में भी पूछे कि बीज वाले रेशे बताइए, तो आप कपास और कापोक को बताओगे, ठीक है, कॉटन और कापोक होता है। कपास का रेशा जो है वो विश्वव्यापी रेशा है, और कपास का जो उत्पादन क्षमता है अब वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कपास से बने वस्त्र जो हैं वो सस्ते, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और सस्ते होने की वजह से ही इसको सभी आय वर्ग के लोग जो हैं वो इजीली प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। कपास का, अगर हम कपास के इतिहास पे नज़र डालें, तो कपास की जो शुरुआत है, जो उद्भव हुआ कपास का, वो ईसा से 400 वर्ष पूर्व ही भारत में हुआ है। इसका प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में बर्तन पर चारों ओर रुई मीन्स कपास जो है वो लपेटा गया था, ठीक है। सबसे पहले सन 1818 में कलकत्ता में सूती मिल का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? सन 1818 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद, उससे पहले जो है सूती के वस्त्र है वो हाथ से बनाए जाते थे, उसके बाद फिर मशीनों से बनाए जाने लगे। करघे का निर्माण हुआ, जब करघा बन गया तो फिर करघे पे सूती वस्त्र का निर्माण होने लगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कपास का कल्टीवेशन कैसे होता है, कपास की खेती कैसे होती है, तो कपास की खेती जो है वो निम्न चरणों में संपादित होती है। पहला, कपास की खेती के लिए हम देखते हैं भूमि तथा जलवायु, उसकी मिट्टी। जैसे काली मिट्टी में कपास के जो रेशे होते हैं वो बहुत अच्छे रेशे माने जाते हैं। भूमि तथा जलवायु, जलवायु उष्ण कटिबंधी मतलब ट्रॉपिकल एरिया में, उष्ण कटिबंधी की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही हो, जहाँ सर्दी का मौसम ना हो, जहाँ पे बारिश होती रहे पूरे वर्ष भर, मतलब पूरे महीने बारिश होती रहे, ठीक है। कपास की अच्छी खेती के लिए नमी और गर्मी दोनों ही आवश्यक है, नमी और गर्मी दोनों ही आवश्यक है। जैसे शुरू में बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद जैसे पौधे का विकास हो जाता है फिर उसको अत्यधिक बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर सेकंड है आपका बीज बोना। जो कपास के बीज बोए जाते हैं वो एक कतार में बोए जाते हैं, ठीक है। फिर वर्षा, कपास के पौधों की खेती के लिए जो वर्षा है वो 30-38 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग में ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब कपास के पौधे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं तब ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कपास के पौधे के बारे में, कपास का पौधा कैसा होता है, तो कपास का पौधा जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो है वो बड़ा पौधा होता है, दूसरा मध्यम पौधा, और तीसरा जो है वो झाड़ी के रूप में। कपास का सामान्यतः पौधा जो एवरेज में होता है वो 4-6 फीट लंबा होता है, ठीक है। कपास की खेती करने के लिए जो खेत होता है उसको अच्छी तरीके से जोत करके कपास के बीज को उसमें बोते हैं। जब कपास का पौधा 3 का हो जाता है तो खेत की निराई होती है, बिडिंग होती है। उसमें क्या होता है, जो
अनावश्यक खरपतवार है या अनावश्यक कोई और पौधे हैं उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। ठीक है, उसमें फिर होता है कि जब कपास की एक टहनी में 3 से 5 कलियां खिलती हैं, एक टहनी में तीन से लेकर के पांच कलियां खिलती हैं और प्रत्येक कली में एक फूल खिलता है, और ये फूल कपास के किस्म के अनुरूप ही होते हैं। कुछ नीले होते हैं, कुछ क्रीम कलर के होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं और कुछ सुनहरे रंग के होते हैं। कपास का जो पौधा होता है, जो फूल होता है, वो प्रारंभ में क्रीम कलर का होता है, फिर जब वो पक जाता है तो वो बैंगनी कलर का हो जाता है। बैंगनी कलर होने के पश्चात ही कोए फूल जो है वो झड़ने से पहले ही उसमें से कोए निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, उसी कोए में बीज के चारों तरफ जो कपास है उसके रेशे चारों तरफ लिपटे होते हैं और इस समय तक अपनी जो एवरेज की जो लंबाई कपास के पौधे की होती है, मतलब 5 से 6 फीट तक, वो प्राप्त कर लिया होता है। कोए जो है जब पक जाते हैं, तो वो फटने लगते हैं। फटने के बाद उसके रेशे जो है वो अलग होने लगते हैं। उसी समय कपास को, कोए को जो है वो बिन लिया जाता है। बिनने का भी जो काम होता है वो एक साथ नहीं होता है, क्योंकि सारे कोए तो एक साथ पकते नहीं है। कुछ थोड़े आज पक गए, थोड़े कल पकेंगे, थोड़े बाद में पकेंगे, तो उनको बारी बारी से बिना जाता है। जब कोए को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद जो अगली लाइन है, सूती वस्त्र या सूती रेशे की हम बात करें, सूती वस्त्र या सूती रेशों की निर्माण की प्रक्रिया, अब किस किस प्रोसेस से जो हमने पॉड इकट्ठे किए हैं, जो कोए इकट्ठा किए हैं, अब वो कितने प्रोसेस से हमारा रेशा या वस्त्र बन करके तैयार होता है, तो उसमें देखिए सबसे पहला जो है वो है कोए को एकत्रित करना। सबसे पहले हम कलेक्टिंग ऑफ पॉड्स करते हैं, हम कोए को एकत्र करते हैं। कोए मतलब पॉड्स, जिसके अंदर बिनोले या बीज होते हैं, उसमें उसके चारों तरफ जो रेशे हैं कपास के रेशे वो लिपटे रहते हैं। ठीक है, सेकंड काम जो होता है वो गिलिंग होता है, ओटना होता है। इसमें क्या करते हैं कि बिनोले से बीज को, बिनोलों को अलग करते हैं। इससे कोए से बिनोलों को, बिनोले मीन्स बीज को, जो कोए के जो बीज होते हैं, जो कपास के बीज होते हैं उसको बिनोले कहते हैं, उसको अलग करते हैं। ओटनी का काम जो है वो हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। ओटनी, हाथ की ओटनी भी आती है, मशीन ओटनी भी आती है, उसके द्वारा ओटने का काम होता है। फिर होता है जब ओटाई हो जाती है, ओटनी हो जाती है, तो गांठ बनाया जाता है। गांठे सारी छोटी, छोटे रेशों की अलग गांठे, बड़े रेशों की अलग गांठे, सब ऐसे करके सारी गांठ बना ली जाती है। उसके बाद फिर गांठे खोलना व मिलाने का काम होता है। कई सारे गांठ, जैसे छोटे रेशों के कई सारे गांठ हैं, बड़े रेशों के कई सारे गांठ हैं, तो फिर उन गांठों को खोला जाता है, फिर उन सबको मिलाया जाता है, छोटे में छोटे को, बड़े को बड़े में। एक चीज मैंने आपको और बताया था कि कपास के रेशे को स्टेपल कहते हैं, स्टेपल होता है। कपास का रेशा वानस्पतिक रेशों में अगर हम बात करें तो कपास का रेशा सबसे छोटा होता है और इसको स्टेपल कहते हैं। रेशम, रेशम सिल्क का रेशा सबसे बड़ा होता है और उसको हम फिलामेंट कहते हैं, उसको फिलामेंट कहते हैं हम। ठीक है, फिर गांठे खोलना मिलाना, उसके बाद उसकी धुनाई होती है, रेशों की धुनाई होती है। धुनाई के बाद कंघी किया जाता है। कंघी मतलब जो उलझे रेशे होते हैं उनको कंघी करने के पश्चात ही सीधा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कंघी करने के पश्चात उन रेशों की पुनिया बनाई जाती है, पुनिया बनती है। उसके बाद फिर कताई, स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग जब हो जाती है तब धागा तैयार हो जाता है। रेशों की जब स्पिनिंग हो जाती है, स्पिनिंग के पश्चात धागा, सूत तैयार हो जाता है। फिर उन सूत की, उन धागों की क्या होती है, बुनाई होती है। बुनाई के पश्चात वस्त्र बन के तैयार होते हैं। फिर उन वस्त्रों की परिसज्जा होती है, विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं होती हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे, वो परिसज्जाएं करके वस्त्र को तैयार किया जाता है। उसके बाद उनपे रंगाई, मनपसंद हर कलर की रंगाई, मनपसंद आकार की डिजाइन वगैरह दे करके रंगाई की जाती है। उस पर विभिन्न प्रकार की छपाई, जैसे स्टेंसिल छपाई, ब्लॉक छपाई, ठीक है, स्प्रे छपाई, ये सारी छपाई करके वस्त्र को तैयार किया जाता है।